हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग शुकिंग विद जया। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पंजाबी छोले की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा एंड उसके बाद नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से हिट कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में कोई भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँच जाए। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं काबली चने। तो यहाँ पर मैंने 1 कप काबली चने लिए हैं एंड इनको मैं रात भर भिगो कर रख दूँगी इस तरीके से। तो नेक्स्ट ये बहुत ही अच्छी तरीके से फूल चुके थे, तो जिन पानी में मैंने इसे भिगोया था वो पानी मैंने गिरा दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर फ्रेश पानी लिया है एंड यहाँ पर थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर मैंने ऐड किया है, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी। तो सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर ऐड कर सकते हैं एंड इसे हम बॉयल करेंगे। तो कम से कम 5 से 6 विसल तक मैंने इसे बॉयल किया है। यहाँ पर पेस्ट बनाने के लिए मैंने लिए हैं टमाटर, तो 2 टमाटर लिए हैं, 2 प्याज लिए हैं, अदरक है, लहसुन है। 1 प्याज को मैंने अच्छी तरीके से चॉप कर लिया है। तो चने जो है बहुत ही अच्छी तरीके से बॉईल हो चुके हैं, तो आप इसे दबा के ज़रूर से देख लें कि अच्छी तरीके से बॉईल हुए हैं कि नहीं, अदरवाइज़ आप 2 से 3 सीटी और लगा सकते हैं। तो टमाटर प्याज ये सब का मैं यहाँ पर पेस्ट बना लूँगी। तो इसमें मैंने ऐड किया है टमाटर प्याज अदरक लहसुन, 1 टीस्पून जीरा ऐड किया है, 2 टीस्पून यहाँ पर मैंने जो चने बॉईल करके रखे थे वो ऐड करूँगी। अगर आप ग्रीन चिली खाते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ सरसों तेल। तो आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे सरसों तेल का फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली मैंने 1.5 टेबल स्पून ऑफ ऑयल ऐड किया है, तो तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाना चाहिए। देन यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टी स्पून ऑफ जीरा। तो जीरा जब क्रैकल होने लगे तो हम यहाँ पर खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने ऐड किया है 1 इलायची, दालचीनी, 1 बड़ी इलायची ऐड की है, लौंग ऐड किए हैं, 2 1 तेज पत्ता ऐड किया है एंड इसे हम एक बार चला लेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ करी लीव्स। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 चॉप्ड ऑनियन। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा साइज़ का ऑनियन लिया है एंड इसे अच्छी तरीके से सॉटे कर लेंगे जब तक कि ये ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाता। अब यहाँ पर मैं ऐड कर लूँगी टमाटर। तो यहाँ पर मैंने आधा टमाटर इस तरीके से चॉप करके ऐड किया है एंड इसे भी हम 1-2 मिनट तक चलाते रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मैं स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ऑफ धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर लिया है। तो रेड चिली पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं एंड 2 टीस्पून यहाँ पर मैंने छोले मसाला लिया है एंड इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले जो है अच्छी तरीके से पक जाएँ। नेक्स्ट यहाँ पर जो ग्रेवी बना के हमने रखी थी, तो वो ग्रेवी मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी एंड इसे हम कम से कम 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरीके से पका लेंगे जब तक कि ऑयल अलग नहीं हो जाता। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टी स्पून ऑफ जीरा पाउडर, इसे भी अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो ग्रेवी हमारी काफ़ी अच्छी तरीके से थिक होने लगी है, आप देख सकते हैं, और पक भी चुकी है अच्छी तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पर मैं जो चने हमने बॉईल किए थे वो ऐड कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं टर्मरिक पहले ऐड करने से इसका कलर बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाता है एंड इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। तो सॉल्ट यहाँ पर मैंने ऐड नहीं किया है, तो आप चेक कर लें, अगर आपको सॉल्ट कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं, बिकॉज चने बॉईल करते हुए भी मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया था, इसलिए मैं सॉल्ट ऐड नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी, इसमें 1/2 ग्लास पानी मैंने ऐड किया है, तो कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ ड्राई मेथी लीव्स, कसूरी मेथी यहाँ पर मैंने ली है, इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम बॉयल आने देंगे अच्छी तरीके से। तो 5 मिनट तक हम इसे कवर करके रख देंगे लो फ्लेम पे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसका कवर हटा दूंगी। तो चने अच्छी तरीके से बन चुके हैं, कंसिस्टेंसी जो है ग्रेवी की वो भी अच्छी खासी थिक हो चुकी है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, सो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।